लोकसभा चुनाव में छठे फेज की वोटिंग हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों पर भी इस चरण में मतदान हो रहा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। हालांकि वहां करीब 20 मिनट लाइन में लगने के बाद पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। ऐसे में वो बिना वोट किए ही वापस घर लौट गए। घर पर उन्होंने दोबारा चेक किया तो पता चला कि उनका वोटिंग सेंटर दूसरा है। फिर दूसरे मतदान केंद्र पर उन्होंने अपना वोट डाला, साथ ही लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करने की अपील भी की। बताया जा रहा है कि जयशंकर सुबह तुगलक लेन के जिस अटल आदर्श स्कूल में वोट डालने गए थे, वहां वोटर लिस्ट में इनका नाम ही नहीं मिला। इस दौरान वो वोटिंग के लिए करीब 20 मिनट लाइन में भी लगे रहे थे। हालांकि जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला तो वो बाद में घर आए और दोबारा चेक किया, तब किसी दूसरे सेंटर पर नाम मिला और उन्होंने वहां पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ऑफिस की ओर से एस जयशंकर को उस पोलिंग स्टेशन पर पहले पुरुष मतदाता बनने पर सर्टिफिकेट भी दिया गया। इसमें बताया गया कि नई दिल्ली के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 4 को पोलिंग स्टेशन नंबर 53 में एस जयशंकर वोट करने वाले पहले पुरुष मतदाता थे। खुद केंद्रीय मंत्री ने सर्टिफिकेट के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न केवल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी वोटिंग के बाद वाली फोटो भी शेयर की और शेयर करते हुए अन्य लोगों से भी मतदान करने की अपील की। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट में लिखा, आज सुबह नई दिल्ली में अपना वोट डाला। लोकसभा चुनाव के इस छठे फेज में आज सभी लोगों से रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करने का आग्रह भी है। तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस